Hello everyone, can you see me? Am I perfectly audible and visible to you? Hi Kian, hi Abhay. Hi Atom. Hi Pratik. Okay, so are you guys excited for the mentee? Hi Mritunjay. So I welcome everyone in the session. So yesterday we were doing and understanding the in-depth of the ball poem. I hope Kian और Kian की class के सारे बच्चे जो हैं जिनकी syllabus में ये है. Hi Aniket. है ना अनिकेत और कियान की क्लास में जो भी बच्चे हैं जो टेंथ में हैं उनके बॉल पोम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपनी बॉल पोम को समझने से पहले. और इसके साथ हमने समझा था काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसेज एंड एवरी थिंग. सो आई होप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज़ ऑलरेडी क्लियर इन योर हेड. सबको पता है ना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वर्ल्डली पोजेशंस, इन सब के बारे में सबको कुछ आइडिया है ना. किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क. लेट मी ग्रीट इन द मीन वाइल, लेट मी ग्रीट पीपल हु आर हियर. सो हाय कमलेश. ओके हाय, सुपर एक्साइटेड. ठीक है, आप मुझे पता है कि बाकी जो लोग आए हैं वो मेंटी के लिए आए हैं, बट बॉल पोम के MCQs के बिना हम मेंटी तक प्रोसीड नहीं करेंगे. सो प्लीज हाय मिस्टर बीस्ट. हेलो हर्ष. ओके सो आई वेलकम यू. इफ यू आर न्यू हियर आई वेलकम यू इन द सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. इन द मीनवाइल आई एम ग्रीटिंग द पीपल. हाय अर्पित राठी, थैंक्स फॉर कमिंग. अमित एंड ए एच मजूमदर. ओके हाय मिसबा, हाय वेलकम. हाय अजय, जल्दी से सब लोग आ जाइए. देखिए टेंथ क्लास के बच्चे सारे आ गए हैं. आई एम सो एक्साइटेड टू सी एंड प्ले विद देम. आस्क यू इन द मीन टाइम. ओके अर्पित, हाँ ओके. सो यहाँ की कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो कि हमने कल डिस्कस किए थे, तो क्या आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग्स क्लियर हैं? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. मेंटी स्टार्ट होने से पहले एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है सिस्टम वर्किंग. ठीक है, ग्रीफ कैसे चलता है, लॉस कैसे चलता है. अगर आप कुछ लूज कर रहे हैं तो आपको एक लर्निंग मिलती है उससे. सो एपिस्टेमोलॉजी इज दैट हियर. ओके so how grief and responsibility is related, Kian will explain this. Kian, will you explain this for me and for the person who asked for he's asking for the answer. Can you explain it to him? मेंटी का कोड शेयर कर दीजिए यहाँ पर. ग्रीफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे रिलेटेड हैं कि
अगर आपको दुख होगा तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है दुख. एवरी टाइम व्हेन यू फील लॉस्ट और यू आर इन ग्रीफ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ताकि आपको दोबारा वो नेक्स्ट टाइम अगर वो ग्रीफ हो रहा है तो फिर वो आपकी आदत है. अगर आपको वो जो लॉस हुआ है उसको बियर करना आ गया तो आप लर्न कर जाएंगे, दोबारा उतना दर्द महसूस नहीं होगा. ठीक है, अगर आपको जैसे गड्ढे में लग गई, गिर गए आप, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं आता है कियान को. कियान हमारी क्लास में रेगुलरली सब कुछ अटेंड कर रहे हैं बट ही इज़ नॉट एबल टू आंसर. हाँ, अगर आप गड्ढे में गिर गए तो अगर नेक्स्ट टाइम भी आप उस गड्ढे में गिर गए, फिर अगली बार भी उसी गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि फिर आपको आदत पड़ जाएगी. नेक्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो उस गड्ढे के पास से, तो आप पास बाय होके निकलेंगे तो बेटर रहेगा. ओके, हाय श्री कृष्णा. ओके, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल. अ डाइम यहाँ पर है, डाइम का मतलब क्या होता है, कैन एनी वन एक्सप्लेन दिस? डाइम का मतलब बताएगा कोई यहाँ पर? कल मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में, कि डाइम का क्या मतलब होता है. आपको डाइम का मतलब पता होगा क्योंकि क्वेश्चन में भी है आगे. अगर आपको नहीं पता तो फिर आई कांट बिगेन विद द एमसीक्यूज लाइक दिस. ओके, वाओ, सो हियर, यस, सी अभय जबकि हमारी क्लास में भी नहीं है, ही एक्सप्लेन इट सो वेल. आई होप एटम द क्वेश्चन इज, द आंसर इज क्लियर इन योर हेड एंड द क्वेश्चन इज नाउ सॉर्टेड. सो इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, पोएटिक डिवाइसेस पे चलते हैं. मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई पोम फॉलो नहीं कर रही है कोई भी राइमिंग स्कीम तो उसको ब्लैंक वर्ड्स या फ्री वर्ड्स कहते हैं. क्या ये बात सबको क्लियर है? इज द थिंग क्लियर इन योर हेड नाउ? यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर ए बी बी सी आपको एंड तक जेड तक मिल जाएगा, अगर आप लाइन 26 तक चले जाएंगे तो जेड तक मिलता है और कोई भी राइम नहीं बन रही है तो उसको फ्री वर्ड्स कहते हैं. कैन यू प्लीज राइट दिस फॉर मी यहाँ पर? हाँ देख लो, तो यहाँ पर फ्री वर्ड्स आप मुझे बता दीजिए, क्या आप लिख के दे सकते हैं फ्री वर्ड्स? इट इज सो हॉट हियर. या ओके, फ्री वर्ड्स लिख के दिखाइए फटाफट. आगे बढ़ रहे हैं हम, सिंबॉलिज्म भी मैंने बताया था, बॉल का सिंबॉलिज्म यहाँ पर टाइम से है. आपके यंग डेज, आपके हैप्पी डेज, मेरी मेकिंग जिसमें आपने करी होगी वो वापस नहीं आ सकते, तो बच्चा बॉल के लिए रो रहा है, मतलब वो अपनी हैप्पी डेज के लिए रो रहा है, इमोशंस के लिए रो रहा है बेसिकली. ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. रेपिटेशन है यहाँ पर, वॉट वॉट रिपीट हो रहा है, बॉल्स बॉल्स रिपीट हो रही है. यहाँ पर रेपिटेशन उन वर्ड्स को रिपीट करके काफ़ी सिग्निफिकेंट बना देता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. ये आपको क्लियर हो गया? क्या लिखूँ, क्या फ्री वर्ड्स लिखो, ब्लैंक वर्ड्स लिखो? कियान को कुछ नहीं आ रहा है, अभी मेंटी में देखते हैं क्या हाल होगा आपका. एलिट्रेशन बताते हैं बच्चों. एलिट्रेशन का सिनेरियो ये रहता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन को कहते हैं एलिट्रेशन. यहाँ पर वॉट वॉट, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, बॉल्स हॉल्स, ए एल एल एस हो रहा है ना, डबल एल एस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है. जब भी साउंड की रिपीटेशन आपको दिखेगी राइमिंग बनाने के लिए उसको एलिट्रेशन कहते हैं. आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा. क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, शो मी दैट यू आर हियर एंड लेंडिंग मी योर ईयर्स. एलिट्रेशन भी समझ आ गया, क्लियर है सब लोगों को? ओके दैट्स फाइन. आगे हम बढ़ रहे हैं बच्चों. इसके बाद हमें एक एक्सट्रैक्ट यहां पर मिल रहा है. आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट गाइज. कैन यू सी द क्वेश्चन? कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन? ओके दैट्स गुड. तो जल्दी से रीड कीजिए एक्सट्रैक्ट और आंसर दीजिए जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से देखिए. आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड इट.
आई एम लुकिंग फॉर ओके आंसर ए है. आर यू ओके आर यू श्योर द आंसर इज ए ओनली. मिसबा बोल रहे हैं ए आंसर है तो होगा ही आंसर ए. यस ही वॉज सैड बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल. गुड. सो सेकेंड वेयर इज द बॉल. द बॉल बाउंस इन द ग्राउंड एंड वेंट इन टू द हाउस और द बॉल बाउंस डाउन द स्ट्रीट एंड वेंट टू द सीवेज और इट वेंट इन टू द वॉटर और इट वेंट डाउन टू द स्ट्रीट. कहाँ जल गई है बॉल. या टेल मी वेयर इज द बॉल राइट नाउ. बॉल कहाँ है बच्चे को पोएट को हम लोगों को रीडर्स को कहाँ दिख रही है बॉल. किधर थी. टेल मी फटाफट. यस द बॉल इज डाउन द स्ट्रीट एंड वेंट टू द वॉटर. धीरे 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 गली में से जाके पानी के ऊपर तैर रही है वो बॉल. क्या बच्चा खड़े होके उठ के लेके आता है क्या बॉल. कियान आप बताओ. स्वास्तिक को भी लेकर आओ. स्वास्तिक की क्लास में भी है ये पेपर. ये उसके एग्जाम में भी आने वाला है. सो आस्क हिम टू प्ले अलोंग विद अस. यस यू आर राइट. सो थर्ड का आंसर क्या है. क्या आंसर है थर्ड का बच्चों. पहले तो सेकेंड का फिर थर्ड का दो. गुड 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 नाइस. सो यहाँ पे व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. सेकेंड का आंसर थर्ड है ठीक है मान लिया. थर्ड का आंसर क्या है बताइए. व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. पोएट को क्या लगता है. पोएट का अभी यहाँ पे रेलेवेंट आंसर क्या है. थर्ड का बी है. ओके the boy who is happy always, the boy who lost the ball, the boy rolling into the ball rolling into the street and the ball was stolen from the boy. Yeah, B is the right answer. Very good everyone. Wow, great. Merrily क्यों mention किया गया है. किसके लिए mention किया गया है. Merrily के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भी हुआ है बच्चों. Merrily के लिए बताइए. Merry किसके साथ हो रही है. खुशी किसके साथ चल रही है. Yes, Amit Kumar, very good, very right. So here, the answer for fourth is ball. Merrily bouncing क्यों. कभी आपने ball को देखा है सीधी सीधी जा रही हो. सीधी सीधी जाती है. melancholic सी होती है क्या ball. कैसी होती है. Can you tell me please. अगर हम ball को फेंकेंगे तो ball कैसे जाएगी. यस संगीता वेरी गुड वेरी नाइस. आगे बढ़ रहे हैं बच्चों. व्हाट डज मेरिली मतलब. मेरिली का मतलब यहाँ पे तो मुझे स्क्रैच भी नहीं करना पड़ा. हम खुद ही अपने आप आंसर सही से दे रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं. आप सबको आता ही है. व्हाट डज मेरिली मीन्स. और एंटोनिम भी बताओ. एंटोनिम बताओ. एप्ट एंटोनिम क्या होगा मेरिली का. और यहाँ पे सिनोनिम भी बताओ. चलो एंटोनिम भी बताओ मुझे. वेरी नाइस रिस्पॉन्स. आई एम सो हैप्पी एवरीबडी इज आंसरिंग इट करेक्ट. चलो चलो गुड गुड गुड. एंड देन आफ्टर आंसरिंग दिस यू हैव टू रीड द अनदर वन अनदर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम इटसेल्फ. You have to read it and then answer the rest of the questions. Chalo, very good. Yeah, right. Very nice. Chalo, ab read karo following extract and answer the question that follow. Abhi aage aapko questions milenge. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. All his young days into harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless.
हाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. वेरी गुड स्वास्तिक, वेरी नाइस. ओके, सो डिस्क्राइब द बॉयज इमोशनल स्टेट. क्या इमोशनल स्टेट चल रही है उसकी? क्या वो बहुत खुश है? बॉल खोके यार नहीं मिल जाएगी, मजा आ गया, ऐसा है क्या बालको? जल्दी बताओ. वॉट डू यू थिंक? क्या वो दुखी है कि खुश है कि अरे पीछा छूटा यार, नहीं लूंगा, मम्मी को बोलूंगा मुझे नहीं दिलाओ और अपना छुट्टी, ऐसा चल रहा है क्या? कितनी बार लॉस कर चुका है वो, उसके बटुए की तरह के वो बहुत बार लूज कर चुका है उसको. वॉट डू यू थिंक? वाज़ द लॉस फॉर हिम इज द फर्स्ट लॉस? आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉस है तो लॉस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फर्स्ट है ना? या कूल, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो यहाँ पर बच्चों आप लोग आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं. द बॉल इज इन ग्रीफ, द बॉय इज इन ग्रीफ फॉर बॉल. ओके, नेक्स्ट. एक्सप्लेन आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. क्या मतलब है इस लाइन का? इंट्रूड का मतलब मैंने बहुत हंसी आ रही है. इंट्रूड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, जरा मुझे बताओ इंट्रूड का मतलब क्या है बच्चों? इंटरवीन है ना, इंटरवीन. तो अभी बोले जा रहे हैं कि इंटरवीन नहीं करेंगे. कौन इंटरवीन नहीं करेगा? जल्दी से पहले तो अपनी अटेंडेंस दो बच्चों. शो मी दैट यू आर हियर. So yes, you guys are right. So why did the boy? Okay, what did the boy feel for the first time? सबसे पहली बार क्या पता चला उसको? Yes, very good. Right. आगे बताओ, एक बात बताओ कि बॉय का सबसे पहला सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है? अब बताओ बॉल को, बॉल के लॉस को किससे कंपेयर करा गया है? इनोसेंट नेचर मैन का, हैप्पी नेचर, चाइल्डिश नेचर, रूड नेचर, क्या क्या नेचर है उसका? क्या नेचर है बच्चों? अगर मैं रो रही हूँ, मेरी छोटी सी चीज़ खो गई, तो मेरा क्या नेचर होगा? कैसा नेचर होगा मेरा? ओके, आई होप यू आर आंसरिंग इट राइट. ओके, फाइन फाइन, यू आर, हाँ यस, फोर्थ का डी आंसर है. गुड, वेरी गुड. सो यहाँ पे चाइल्डिश नेचर दिखा रहा है, सबका होता है ना, कोई चीज़ खो जाती है तो, या जिसको लूज नहीं करना चाहते हो तो बच्चे बन जाते हैं हम उस समय. यस, सो इंट्रूड ऑन हिम मीन्स इंटरफेयर, इंटरवीन. ओके, फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी. व्हाई इज मनी कॉल्ड एक्सटर्नल? एक्सटर्नल क्यों बोला गया मनी को? कि मनी जो है वो एक्सटर्नल चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है. क्या मतलब है इसका? Yes. Very good. चलो आगे बढ़े. हाँ, क्या आंसर होगा इसका? सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का बच्चों. मुझे पता है मेरी आवाज़ और आपके रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा समय डिले होता है, तो उससे थोड़ा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है, बट ठीक है, हम लोगों का काम चल रहा है तो चलता है. हाय सिमर, सिमरन कौर, वेरी गुड, वेरी नाइस एटम. या
राइट नाइस. सेवेंथ का भी बताओ जल्दी. डज द पोएट कंडोल द बॉय. खड़े होके उसने बोला आ बेटा कुछ नहीं होता देखी जाएगी, ऐसे बोला उसने? नहीं बोला. क्यों नहीं बोला? नहीं बोला. थर्ड. सेवेंथ का बताओ. सेवेंथ का आंसर बताओ बच्चों. राइट. नहीं बोला उसने. गुड. अभी एट्थ का बताओ जल्दी से. हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट टू द लॉस. वो खड़ा रहा था सीधा, शेक कर रहा था अपनी लेग्स को और स्टेयर कर रहा था बॉल को. तो आंसर होगा फोर्थ. ठीक है. कूल है. गुड. यस. एट्थ का बताओ. एट्थ का जो भी आप देख पा रहे हैं सब कुछ. यस, जो भी आप देख पा रहे हैं बच्चों. यस, एट्थ का आंसर बताएंगे सब लोग. हाँ, एट्थ का आंसर बताओ बच्चों जल्दी जल्दी. नाउ आई हैव गॉट द पेन सो नाउ आई कैन डिलीट इट. अब बच्चों यहाँ पे एट्थ का आंसर आपने बता दिया ऑलरेडी. गुड. चलो नाइन्थ का क्या है? डी. ओके, बहुत ही सिंपल है. टेंथ का हु इज द पोएट ऑफ द पोम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, जॉन बेरमैन, लेस्ले नॉरिस. लेस्ले नॉरिस बताना किसका है. लेस्ले नॉरिस किसका पोएट है एक बार? इसका तो आपको पता होगा, जिन जो भी लोगों ने पढ़ी है ये पोम उसको पता होगा. ठीक है, गुड. यहाँ पे आंसर बी कह रहे हैं. ओके, जॉन बेरमैन है. वेरी राइट, थैंक यू. सो हेयर एमसीक्यूज एंड. यहाँ पर एमसीक्यूज एंड हो रहे हैं. अब साथ में हम स्टार्ट करें अपना मेंटी. आपके पास ऑलरेडी मेंटी क्विज है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज जॉइन द मेंटी. जस्ट बी हियर. ओके, जस्ट बी हियर. लेट मी. Yes guys, so here is the mentee. No, there is no issue. I request you to please join the mentee. मेंटी कोड आपके पास ऑलरेडी है. मुझे, मैं बोलती हुई नहीं दिख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ नॉट वर्किंग. इज इट वर्किंग? कैन यू गाइस सी मी? प्लीज सेंड मी रिस्पॉन्सेज एज आई कांट सी माई सेल्फ. आई थिंक देर इज एन इशू इन बफरिंग. आई थिंक सो यू वॉन्ट मी टू बिगेन विद द मैम. लैगिंग हो रहा है. हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी लग रहा है.
There are 9 people who have already joined us. जल्दी से आ जाइए बाकी लोग भी. पता नहीं क्यों लैग हो रहा है. ओके सो आई थिंक नाउ आई एम विजिबल. एम आई विजिबल टू यू? या सो लेट्स बिगेन विद दिस. हाँ आई थिंक देर आर ऑलरेडी 10 पीपल हु आर देयर विद अस. ओके बच्चों मेंडी कोड आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. आप लोगों को दिख रहा है मेंडी कोड? ये अभी कुछ दिनों से पता नहीं लॉगिन की क्या प्रॉब्लम आने लगी है. ओके सो शैल आई बिगिन विद दिस? सो द मेंडी कोड इज 7593938. सो यू कैन जॉइन द मेंडी by using this code and I think I should begin now. Okay, I hope I'm visible and audible to you. Okay, so I am interested dash the reading novels on in by with. जल्दी से आंसर दीजिए. Okay, the video is lagging. I think is it still lagging? This is so sad. Yes, I am interested in reading novels. Let's see what the leaderboard says. I do not know what is happening with us. Okay, Abhay, you are my favorite too. Thank you for coming. And I think you will win today. So, wow, Kian is the fastest one here. Watson, Amit, Mehak, Palvinder, Kaur. Okay. सो काव्या भी आ गए. वेरी गुड काव्या. गौतम सहरावत खेल रहे हैं हमारे साथ. अमित महक गुड नाइस. आगे बढ़ते हैं. मैं आगे चल रही हूँ. देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है गेम हमारा. 11 11 बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं हमारे साथ. अब से हर हर हमारे चैप्टर के बाद आपको मेंटी मिलेगा. सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स. ओके मेरिट. मेरिट का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होगा? प्री पता है ना कब लगता है? आगे. ठीक है याद रखिएगा प्लीज. हाय राहुल. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस. सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स एज एवरीवन वोटेड. डी मेरिट. यस वेरी गुड. डाई मेरिट री मेरिट कैसे हो सकता है? डिसमेरिट भी नहीं होता है. सो प्रॉपर प्रीफिक्स चूज करना था जो कि डी मेरिट है. ओके आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इंग्लिश मेंटी ओपी. ओके नाइस. सो काव्या इज प्लेइंग वेल एंड शी इज ऑन द टॉप एंड फास्टेस्ट एज वेल. ओके सो अर्पिता कियान अभय एटम युग टंटन और वॉटसन और अमित. ओके वेरी नाइस. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से? बच्चों क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आपको? मुझे लग रहा है कि लैगिंग हो रही है क्योंकि मुझे अपनी वीडियो में दिख रहा है लैगिंग हो रही है. पीछे टीम भी काम कर रही है बट पता नहीं क्या चक्कर है. इंटरनेट की स्पीड भी ठीक है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस दीज डेज. पोस्ट के साथ क्या प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करेंगे आप तो एक सेंसिबल वर्ड बनेगा. पोस्ट बी या बी पोस्ट. पोस्ट आउट या आउट पोस्ट. पोस्ट एज या एज पोस्ट या पोस्ट ऑन या ऑन पोस्ट. यस ऑफ कोर्स ओनली 6 पीपल आंसर्ड इट करेक्टली. सो द आंसर इज पोस्ट आउट. यस वेरी गुड. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस. The mentee is lagging horribly. Very nice. Kavya is leading with
2899 पॉइंट्स, नॉट बैड। एंड गौतम सहरावत भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अर्पिता को हेलो, कियान को भी हेलो, और अभय भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाय एटम, वेरी नाइस। एक फिजिक्स का बच्चा हमारे साथ बैठ गया है ऐसा लग रहा है, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आगे है हमारा। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। स्पोकन के साथ क्या लगाओगे, आगे लगाओगे पीछे लगाओगे, क्या बेस्ट? स्पोकन इन, डी स्पोकन, स्पोकन आउट, डिस स्पोकन, बताइए। अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स अफिक्स कुछ भी चूज करके पुट कीजिए। यस, स्पोकन आउट, राइट, स्पोकन आउट, नाइस। जिसको भी मेंटी अच्छा लग रहा है, परफॉर्म करना पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो अर्पिता हियर इज ऑन द सेकेंड लेवल, ओके, एंड देन काव्या अच्छा खेल रहे हैं, गुड। कुछ खास चेंज नहीं है, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देख के। लैग कर रहा है बहुत बुरी तरह, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है, शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी बस। मेरा मुंह रुक के कितना बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन पर हम पहुँच गए हैं, दैट मीन्स 50% ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिए। लार्ज क्या होगा, लार्ज आगे क्या, इन ऑन, लार्ज इन, लार्ज इन, लार्ज ऑन, लार्ज आउट, कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स है सफिक्स है? और मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रीफिक्स और सफिक्स को बोलते क्या है, एफिक्स, ठीक है, वी कॉल देम एफिक्स। या लार्ज इन, वेरी सिंपल। यस राइट, वेरी राइट। सो अर्पिता इज द फास्टेस्ट वन अमंग ऑल, एंड 4808 पॉइंट के साथ काव्या लीड कर रहे हैं। अबे जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो बालको, बहुत देर में हो रहा है, मुझे तो लग रहा है यूट्यूब पे रिले ही नहीं हो रहा है। डोंट स्टैंड डैश अ ट्री व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, अंडर बाय बिलो ओवर, ट्री के ओवर तो कोई मत करना प्लीज, कसम होगी मेरी आपको, ओवर कोई चूज नहीं करेगा। ऑफ कोर्स अंडर, डोंट स्टैंड अंडर अ ट्री व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, राइट। चलो लाज बचा लिया आप लोगों ने मेरी। हाय डिंपल, थैंक्स फॉर अपीयरिंग। नाइस, सो 5782 पॉइंट्स के साथ फास्टेस्ट काव्या है और टॉप पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज में देखेंगे, अब है बिल्कुल ब्रशअप करके आना, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। सेवेंथ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, यू विल बी गेटिंग गुड पॉइंट्स व्हेन यू आंसर इट फास्ट। अच्छा मेरा नेट खुद नहीं चल रहा यार, यहाँ देखो दोनों को हाई फाई कर देते हम लोग, मेरा भी नहीं चल रहा आपका भी नहीं। मिल्टन लिव्ड डैश द रीजन ऑफ कॉर्नवेल, हाय वैष्णवी मिश्रा, हाउ आर यू? यस, ड्यूरिंग इस रीजन के टाइम पर मिल्टन रहते थे या जिंदा थे, दौरान, ड्यूरिंग का मतलब यहाँ पे दौरान, गुड। सो ओनली ओनली वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आंसर्ड इट करेक्ट। अच्छा कियान टंटन है, ओके, ओके, देन काव्या, देन अर्पिता, गौतम, गौतम बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई। एटम ने भी लीड ली है, वेरी नाइस एटम, यू आर प्लेइंग रियली वेल, दो इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, वेलकम, वेलकम टू आवर मेंटी सेशन। चलो भाई एटम को सब लोग वेलकम करो हमारे सेशन में, नाइस।
सो आंसर एट, क्वेश्चन नंबर एट पे हम पहुंच गए. फाइंड द ब्लैंक्स विद करेक्ट सेलेक्शन, करेक्ट चूज करना है. द किंग डाइड डैश, कौन सा आयरलेस है यहाँ पे जो फिट बैठेगा, कौन सा बेस्ट वर्ड है जो यहाँ पे फिट बैठेगा, जल्दी से बताओ. हाय अशोक कुमार, मैं तो अटक गई हूँ, मेरा खुद नेट नहीं चल रहा बच्चों, दिस इज सो सैड. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, पता नहीं क्या हो गया आज, फिर से क्या हो गया. देखो इतना सब मेहनत करते फिर भी. ओके अमित भी आ गए, वेरी गुड अमित. एक बच्ची खुशी आती थी अभी मुझे, वो थोड़े दिन में मुझे लगता है देख के मुझे आ जाएगी, खुशी आती थी बीच में हमारे साथ खेलती थी, काफ़ी अच्छा खेलती है वो. तो खुशी को कोई भी जानता है उसे बताना कि मैम याद कर रही हैं. ठीक है, सो 6730 पॉइंट्स इधर अर्पिता लीड कर रही हैं, साथ में बहन को भी लेके घूम रही हैं अपनी, सेकेंड पे है उसकी. नाइस नाइस, आगे बढ़ रहे. सो हियर वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 9th, जल्दी से देखते हैं कि क्या हमारे लिए रखा है इसमें. प्लीज रिमूव द क्या, कौन सी चीज. रिड, रीड, 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 रिडू, सिमिलर है, स्पेलिंग भी सिमिलर है, समवट वर्ड्स भी जो लेटर यूज किए गए हैं वो भी सिमिलर है. तो क्या होता है एक्चुअल वर्ड, क्या है ना, जल्दी से बताओ. या रीड, रीड मीन्स वीड, वीड मीन्स सारी ऐसी चीजें जो अनवांटेड है, वीकलिंग्स. ठीक है, ये वीकलिंग्स एक जगह यूज हुआ है अगर आपको याद हो, कहाँ पर यूज हुआ है, एक पोम में हमारे यूज हुआ है वीकलिंग. कौन सी है वो पोम, नाइन्थ वाले बच्चों जाग जाओ, बताओ कौन सी पोम है वो, उसका पोम का जो पोएट है वो भी बताओ कौन है, मैं बताऊं, क्योंकि आपका आंसर तो लेट आने वाला है. मैं बताऊं, उसका आंसर है विंड, सुब्रमण्यम भारती, याद है सब लोगों को. काव्या, वेरी गुड अभय, यू टुक अ लीड, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर माई फेवरेट फेवरेट स्टूडेंट. यहाँ पर थर्ड पर आ गए अभय, पहले थोड़े से नीचे थे. मुझे लग रहा है ये तीन बच्चे काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, कियान भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है लेकिन अभी भी नीचे चला गया. नाइस, सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई बिलीव, सो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स. ओके, माई बॉयफ्रेंड इज अ डैश ऑफिसर, कौन सा, नेविल, 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 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, क्या स्पेलिंग क्या होती है. राइट, सो सी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड. आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि किसने आंसर ठीक दिया है. राइट, सो अर्पिता, क्लैप्स फॉर अर्पिता, ये काफ़ी दिनों बाद ये मेंटी हुआ है और हमारे साथ जो हमारी अर्पिता है वो जीत गई हैं. बाकी बच्चे जो खेले हैं आज बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही मज़ेदार तरीके से खेले हैं, एमसीक्यू भी दिया है बेचारों ने इतने अच्छे से, है ना. यूट्यूब वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले हैं, वेरी नाइस. तो आज हमारे साथ जो है अर्पिता को विनर अनाउंस कर दिया है शायद हमने. अर्पिता आर यू अवेयर दैट यू आर द विनर.